लोग अपनी तलवार कटार देसी पिस्तौल कट्टे लेके आते और गांधी के पैरों में रख देते थे। सैकड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो चुका था। अगर तुम्हें कहीं पता चले कि किसी एक हिंदू की हत्या हुई तो तुम उसके बदले में सामने वाले के 10 जने मारो। अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे के दिन शुरू हुआ हिंदुओं पर हमले का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। चारों ओर हिंदू मारे जा रहे थे, काटे जा रहे थे। मुस्लिम लीग अपने इरादों में सफल होती दिखाई दे रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो बंगाल के हिंदू मेजोरिटी में जो है वो माइनॉरिटी बन जाएंगे, पर अंत में ऐसा हो नहीं पाया। क्यों नहीं हुआ? ये कैसे रुका बंगाल में हिंदू जेनोसाइड? किसने रोका ये हिंदुओं का नरसंहार? आज की ये कहानी है उसी शख्स की जिसने अकेले अपने दम पर ही कलकत्ता की सड़कों पर चल रहे हिंदू नरसंहार को रोक दिया था। ये कहानी है उस वीर की जिसने बंगाल के हजारों हिंदुओं की जान बचाई थी। ये कहानी है उस हिंदू वीर की जिसने अपने दम पर मुस्लिम लीग की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। ये कहानी है उस वीर की, उस हुतात्मा की जिसे हिंदू समाज ने ही भुला दिया। ये कहानी है उस शख्स की जिसका ऋणी समस्त बंगाल के हिंदुओं को होना चाहिए। ये कहानी है महान गोपाल चंद्र मुखर्जी यानी गोपाल पाठा की। गोपाल चंद्र मुखर्जी गोपाल पाठा कैसे बने? गोपाल मुखर्जी की मीट की दुकान थी। बंगाल में बकरी बकरे को पाठा कहा जाता है, वहीं से वो पाठा गोपाल मुखर्जी के नाम के साथ जुड़ गया और उन्हें गोपाल पाठा के नाम से जाना जाने लगा। 16 अगस्त 1946 में शुरू हुए मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे में 2 दिन में 10,000 से अधिक हिंदुओं की हत्या हो चुकी थी। सैकड़ों हिंदू महिलाओं का बलात्कार हो चुका था। हिंदुओं को बचाने वाला कोई दिखाई नहीं देता था। पुलिस और आर्मी भी हिंदुओं को बचाने नहीं आ रही थी। मूक दर्शक की तरह हिंदुओं के नरसंहार का तमाशा देख रही थी, क्योंकि मुस्लिम लीग का सोहरावर्दी जो तब वहां का मुख्यमंत्री था वो खुद पुलिस कंट्रोल रूम में बैठ के हिंदुओं के इस जेनोसाइड को, इस नरसंहार को एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर रहा था। इन सबसे व्यथित और आक्रोशित हिंदू 17 अगस्त की रात से इकट्ठा होने लगे थे। किसने किया था हिंदुओं को इकट्ठा? वीर गोपाल चंद्र मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा ने। वे इस हिंदू रेजिस्टेंस के, इस हिंदू प्रतिकार के सेंटर थे, केंद्र बिंदु थे, धुरी थे। उन्होंने डरे सहमे हिंदुओं को इकट्ठा किया और प्रतिकार करने के लिए तैयार किया। गोपाल पाठा ने भारत जातीय वाहिनी, भारतीय पीपल्स पार्टी नाम से एक संगठन बना रखा था जिसमें 500-700 के करीब लोग थे। इनमें कई सारे अखाड़े के मंझे हुए पहलवान भी थे। जब गोपाल पाठा ने हिंदुओं की हत्याएं होती देखी और पुलिस का मूक दर्शक बने देखा तो उन्होंने अपने साथियों को इकट्ठा किया और उन्हें निर्देश दिया कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाना चाहिए, आग को आग से लड़ा जाए और ब्रुटैलिटी को ब्रुटैलिटी से। 1997 में इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार एंड्रयू व्हाइटहेड को दिए अपने इंटरव्यू में गोपाल पाठा ने उन्हें डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में बताते हुए कहा था कि वो समय बड़ा क्रिटिकल था। हमें लग रहा था कि अगर ये पूरा एरिया पाकिस्तान बन गया तो हिंदुओं पर अत्याचार और दमन और बढ़ जाएंगे। इसलिए मैंने अपने लड़कों को, अपने लोगों को बुलाया और उनसे कहा कि अब रिटेलिएट करने का समय है, अब प्रतिकार करने की बारी है। अगर तुम्हें कहीं पता चले कि किसी एक हिंदू की हत्या हुई तो तुम उसके बदले में सामने वाले के 10 जने मारो। मैंने अपने लड़कों को, अपने लोगों को यही आदेश दिया था उस दिन। गोपाल पाठा ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कलकत्ता में पोस्टेड अंग्रेज सैनिकों से कुछ बंदूकें, कारतूस और ग्रेनेड्स इत्यादि लेकर रख रखे थे। साथ ही 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के समय खरीदे गए कुछ वेपन्स भी उनके पास थे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो उनके पास थी, उन्हें यूज करने की इच्छा शक्ति और सामर्थ्य भी उनके पास था। मानव मस्तिष्क से बड़ा वेपन हथियार दुनिया में कुछ भी नहीं। और इस प्रकार 18 अगस्त 1946 को बंगाल में हिंदू प्रतिकार, हिंदू रेजिस्टेंस की शुरुआत हुई गोपाल पाठा के नेतृत्व में। सोहरावर्दी ने अपने गुंडों को तो कह दिया था कि वो उन्हें 2 और दिन का समय दे सकता है, पुलिस आर्मी उनका कुछ नहीं करेगी, जितना कत्लेआम करना है काफिरों का कर लो, पर हिंदू मेजोरिटी कलकत्ता को मुस्लिम मेजोरिटी में बदल दो। पर उन्हें अगले ही दिन होने वाले फेरोसियस हिंदू प्रतिकार का कोई अंदाजा नहीं था। हिंदू बस्ती में हमला करने आए मुस्लिम लीग के गुंडों को पहले वहां हूरों के पास पहुंचाया गया और फिर गोपाल पाठा और उनके साथी इस युद्ध को उल्टा मुस्लिम बस्तियों में ले गए। मुस्लिम लीग की सेना, मुस्लिम नेशनल गार्ड के जॉम्बीज को भारी संख्या में 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया, लेकिन इन सब में एक भी महिला या बच्चे को हार्म नहीं किया गया था गोपाल पाठा और उनके सहयोगियों द्वारा। अगले 3 दिन तक गोपाल पाठा और उनके सहयोगियों ने जिन जिन जॉम्बीज ने हिंदुओं की हत्या की थी, हिंदू बहन बेटियों का बलात्कार किया था, उन्हें खोज खोज के हंट डाउन किया यानी हूरों के पास पहुंचा दिया। मुस्लिमों का वही भ्रम था जो आज भी है कि हम मियां भाई लोग बड़े डेयरिंग होते हैं और हिंदू तो कमजोर होते हैं, कायर होते हैं। उनका यह भ्रम 20 अगस्त आते आते समाप्त हो गया जब बंगाल में डेथ टोल, मृतक संख्या हिंदुओं से ज़्यादा डेयरिंग मियां भाई लोगों की हो गई। मुख्यमंत्री हसन सोहरावर्दी जो पहले तो लाल बाजार स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में बैठ के पुलिस को कार्रवाई करने से रोक रहा था, उसने गोपाल पाठा एंड टीम की परफॉर्मेंस देख के अपना माथा पीट लिया और बुदबुदाने लगा।
हिंदुओं के नरसंहार के लिए जॉम्बीज की भीड़ को भड़काऊ भाषण देके उकसाने वाले उसी सोहरावर्दी ने, उसी मुस्लिम लीग के नेता ने अपने दो खास लोगों को, जिनमें एक का नाम था जीजी अजमीरी जो मुस्लिम लीग की स्टूडेंट विंग का नेता था, और दूसरा था शेख मुजीबुर रहमान जो मुस्लिम लीग की सेना मुस्लिम नेशनल गार्ड का सदस्य था, इन दोनों को गोपाल पाठा के पास ट्रूस के लिए भेजा, समझौते के लिए भेजा। ये गए और इन्होंने गोपाल पाठा से विनती की कि ये हत्याएं रोक दो, हमें मत मारो, हमें माफ़ कर दो। गोपाल पाठा ने उनकी विनती स्वीकार कर ली, इस शर्त के साथ कि पहले मुस्लिम लीग हिंदुओं पे हो रहे हमले बंद करे, उसके बाद हम भी बंद कर देंगे। और इस प्रकार 16 अगस्त 1946 को बंगाल में शुरू हुआ हिंदू जेनोसाइड रुका। ये कलकत्ता किलिंग्स बंगाल और भारत के दूसरे हिस्सों में भी फैल गई थी, और भारत के बंटवारे तक ये दंगे फसाद होते रहे, और इसीलिए गोपाल पाठा ने अपनी पहलवानों की सेना भारत जातीय वाहिनी को हिंदुओं के सुरक्षा कवच के रूप में चालू रखा, उन्होंने अपनी वाहिनी भंग नहीं करी। 1947 में जब नोआखली और बाकी बंगाल में दंगे हुए, मारकाट हुई, हिंदुओं की फिर निशंस हत्याएं हुई, तब मोहनदास गांधी उन दंगों को रोकने के लिए बंगाल भ्रमण पर पहुंचे थे। पत्रकार शैलेन चटर्जी सदैव गांधी के कामों को डॉक्यूमेंट करने के लिए उनके साथ रहते थे। उन्होंने लिखा था कि लोग अपने हथियार लेके आते और गांधी जी के पैरों में रख देते थे कि लो बापू हम हिंसा नहीं करेंगे। लोग अपनी तलवार कटार देसी पिस्तौल कट्टे लेके आते और गांधी के पैरों में रख देते थे। माउंटबेटन ने इसे चमत्कार कहा था, गांधी का चमत्कार। पर गोपाल पाठा गांधीवादी नहीं बने। एंड्रयू व्हाइटहेड को दिए अपने इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि गांधी ने मुझे दो बार बुलाया पर मैं नहीं गया। तीसरी बार मुझे एक लोकल कांग्रेस के नेता ने कहा कि मैं कम से कम अपने कुछ हथियार ही जमा करा दूं। मैं वहां गया, मैंने वहां देखा लोग अपने खराब हो चुके हथियारों को जमा करा रहे थे। गांधी के सेक्रेटरी ने मुझसे कहा, गोपाल तुम अपने हथियार क्यों नहीं सरेंडर कर देते गांधी जी को। मैंने उनसे कहा, इन हथियारों से मैंने अपने एरिया की हिंदू महिलाओं को बचाया है, अपने लोगों को बचाया है, मैं इन्हें गांधी को सरेंडर नहीं करूंगा। गांधी जी ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स डायरेक्ट एक्शन डे के समय कहाँ थे जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था। अगर मैंने अपनी किसी कील से भी हिंदुओं की जान बचाई है तो मैं वो कील भी सरेंडर नहीं करूंगा, हथियार तो दूर की बात है। पर स्वतंत्रता के बाद हमारे कृतघ्न रूलिंग एलीट शासक वर्ग ने गोपाल पाठा जी को भुला दिया। इतिहास की किताबों में भी हमें इस वीर के बारे में नहीं पढ़ाया गया। हजारों हिंदुओं की जान बचाने वाले वीर गोपाल पाठा ने आजादी के बाद इस भारत में गुमनामी का जीवन व्यतीत किया, और 2005 में इनकी मृत्यु हुई और वे वैकुंठ धाम को चले गए। पश्चिम बंगाल अगर आज भारत का हिस्सा है तो उसमें गोपाल पाठा का बहुत बड़ा योगदान है। हे हिंदू वीर, नमन आपको, सत सत नमन। कृतज्ञ हिंदुओं को आप पर गर्व है, आप हमारी प्रेरणा हैं, हमारी आशा हैं। माँ काली शक्ति दे हमें आपके पद चिन्हों पर चलने की। जय माँ काली।